खाए तो आ जाओ। जबरदस्त, खा के देखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सारे ठीक होंगे। बहन और भाई जो देख रहे हैं कि आज हमारी जो कुकिंग के हवाले से वीडियो बनी हुई है, आज जो हम बना रहे हैं व्लॉग्स, कुकिंग का व्लॉग बना। हाय गाइस, ठीक ठाक होंगे? अभी देख रहे हो हम बना रहे हैं अचार गोश्त, सालन पका रहे हैं। ये हम जो बना रहे हैं अचार गोश्त, ये आपके भाई बना रहे? कहाँ, गाँव में कैसे बनाते? ऐसे ही बनाते हैं गाँव में। ये अचार गोश्त का सालन, टमाटर काट लिए, मिर्ची। ये है चूल्हा हमारा, और चूल्हे में आग लगाई जाती है। इस तरीके से गांव में आग लगाई जाती है कि लकड़ियां वैसे हल्की सुल्की होती हैं, मगर बारिश पड़ी है, लकड़ियां थोड़ी गीली है, तो उसकी वजह से शापर देके तो आग लगाई है। देखें इस तरीके से आग लगाई जाती है। तो हम दिखाएंगे, ये किचन बना हुआ है गाँव में, इस तरीके से ऐसे किचन बनाया जाता है कि ये बारिश के लिए, ये बारिश की सेफ्टी। देखेंगे इस तरीके से, ये बारिश से बचने के लिए ये सेफ्टी बनाई गई है कि बारिश वगैरह पड़ती है, जैसे कि आज सुबह बारिश जो पड़ी है, रात जो पड़ी है, बड़ा नुकसान बारिश ने दिया है, मगर ये लकड़ियां हैं, गैस की सहूलत नहीं है। गांव में अगर आग बुझ जाए तो पाइप इस तरीके से आग जलाई जाती है की तरफ, जिस तरीके से, जिस हिसाब से व्लॉग्स बना रहे हैं उसी मकसद की तरफ लिखते हैं, वीडियो ज्यादा नहीं बनाते हैं। तो ये है आयल, एक चम्मच आयल का एक गोश्त है। उस गोश्त को अच्छी तरीके से पानी में साफ किया जाता है, और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं कि फुल आग पे आयल जो है वो बिल्कुल फुल गर्म हो गया है, फुल गर्म। अभी इसमें पीसेस डालें, ये क्या आपने डाले इसमें? गोश्त डाला है आयल में, आयल जो गर्म है उसमें साबुत गोश्त डाला है, और कुछ भी मसाला वगैरह नहीं डाला है। यहाँ पर तो वो अचार गोश्त बनाने का तरीका ही अपना है। अचार गोश्त मसाला, ये क्या है? मसाला है अचार। ये क्या है? नींबू है, नींबू। तो माशाल्लाह नींबू का जो पौधा है वो अब हमारा अपना घर में है। तो अभी इसको क्या कर रहे हैं? निचोड़ के इसका मसाले में डालेंगे। ये मसाले में निचोड़ के इसका पानी निकाल के फिर इसमें मसाले को अच्छी तरीके से। तो अभी ये देखने में भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, तो अभी जब बनेगी चिकन कढ़ाई तो बहुत ही मजा आएगा। चार गोश्त कढ़ाई जब बनेगी तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, इसको ये मिक्स कर रहे हैं साथ में। ये देखो नींबू डाला है मसाला को अच्छी तरह का। मिर्ची जो है, जो रखी है मिर्ची, उसको चाक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें मसाला डाल रहे हो आप? हाँ, बहुत अच्छी होती है अचार मिर्ची। बना रहे बिल्कुल पकौड़े की तरह ये गोश्त, आपने, आपकी भाभी ने बनाया। ये क्या आपने इसको बनाया है? पकौड़े की तरह बनाया। अभी क्या डालोगे? लाल मिर्ची। अभी एक लाल मिर्ची हमारी अपनी होती है, हम इसको कूट के अच्छी तरीके से, ये लाल है, ये सिर्फ ऑयल में फ्राई हो रही है। अभी नहीं, अभी वो टमाटर देखो, सब सब टमाटर इसमें क्यों? तो ये गांव में जो अचार गोश्त बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या कर रहे हो? नमक लगा रहे हैं। नमक क्यों? ये अभी से लगाएंगे और टमाटर का उतर जाएगा, छिलका उतरने के लिए। क्या ओ वाह, अभी अभी तो ये क्या कर रहे हैं? अभी हम इसको आग पर लगाएंगे, छोड़ेंगे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट इसको फुल आग पे पका के। क्यों इसको आग पे रख रहे हो आप? कि ये जो इसके छिलके वो उतर जाए, उतर जाए। चलो सही है, तो वीडियो के साथ रहें। तो अगला पार्ट हम बताएंगे आप। यहाँ हमने काट दिया है इसकी, माशाल्लाह क्या खुशबू है जाएगा ना इसी तरीके से, एक एक करके छिलका इसको, इसी तरीके से छिलका इसका उतारते हो। आधा तैयार हो गया ये टमाटर, जो आपकी भाभी जी ने टमाटर को ऐसा कर दिया है कि ये देखेंगे टमाटर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल टमाटर। इसको मैंने एक एक करके सारे छिलके थे, ये देखिए छिलके निकाल दिए, जो ये जिसमें मसाला ऐड किया था ना, चाक की भी मिर्ची देखो अभी डल रही है, चाक की भी मिर्ची। अभी हम डाल रहे हैं अचार मसाला, अभी ये अचार मसाला ऐड कर दिया है, जो बकाया था ना वो, बाकी आधा तो लग गया है मिर्चू में। तो अभी इसको कितना टाइम फुल आग पे आप रखोगे? अभी 5 मिनट बस। 5 मिनट में? 5 मिनट में ये अचार को कढ़ाई तैयार तैयार हो गई है। तो ये जो देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलोगे कि ये इसी तरीके से गांव में पकाएं? पका सकते हैं, बस देख के वीडियो बना लें, बस बना सकते हैं। तो टेस्ट कैसा रहेगा? टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो चलो अभी हम खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। अबे ये दही तो अभी डल रही है इसमें, तो वो तो पहले डलती है, मुझे याद नहीं था, भूल गई है। चलो सही है, अभी देखते हैं तो टेस्ट कैसा रहेगा जो बाद में दही डल रही है इसमें।
गोश्त गांव में बिल्कुल तैयार हो गया है, तो अभी आपकी भाभी खा के बताएगी कि अचार गोश्त कैसे बनाए, और मैं खुद भी खा के बताऊंगा कैसे ने आपकी भाभी झूठ बोलेगी अच्छा बना हुआ है। खाए तो आ जाओ। जबरदस्त, खा के देखो। तो आज का व्लॉग्स था हमारा चिकन अचार कढ़ाई पर, तो उम्मीद करते हैं वीडियो देखने वालों को वीडियो अच्छी लगेगी।